हेलो फ्रेंड, आपका न्यू वर्क सिलाई बिनाई में स्वागत है। फ्रेंड, हम इस वीडियो में बताएंगे कपड़े का मोजा बनाना। तो देखिए, इसके लिए बचा हुआ ब्लाउज पीस का ये कपड़ा है और इसके अंदर देखिए फोम डाले हैं और इसके अंदर अस्तर का जो कपड़ा रहता है वो है। तो इसका मेजरमेंट आप जान लीजिए कितना है। तो इसका चौड़ाई है 10 इंच और लंबाई है 10 इंच। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ 10 इंच है। और उसके बाद हम अब सिलना बताएंगे, तो इसमें चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हम चारों तरफ सिलाई लगा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हम सिलाई लगा लिए हैं। और उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड करना है। तो देखिए, हम इसको डबल फोल्ड कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे हम। देखिए ऐसे, यहाँ पर भी 1.5 इंच पर मार्क हम लगा लिए हैं। और उसके बाद ऐसे बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, हम बॉक्स बना लिए हैं और इसमें गोलाई देंगे। 1/2 इंच का गोलाई दे लीजिएगा। ऐसे कट करना है तो हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हम कट कर लिए हैं गोलाई में। और उसके बाद उरे बैक पट्टी लेंगे हम। उसके बाद देखिए, उरे बैक पट्टी ले लिए हैं। जैसे कि पाइपिंग का हम लोग कट करते हैं वैसे कट कर लेना है। और उसके बाद सीधे तरफ से लगा लेना है। देखिए, हम इसको लगा लेंगे जैसे पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिए हैं। और उसके बाद ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ से हम थोड़ा सा चौड़ा पाइपिंग हम बना लेंगे। तो देखिए, ऐसे हम फोल्ड कर लिए हैं और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हम इसको ऐसे अब फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे इसको कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा गोलाई देंगे हम, हल्का सा यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं सिलाई लगाना। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से एड़ी का सेप बनता है, इसलिए हम गोलाई दे दिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए क्या करना है कि ऐसे मोड़ना है। देखिए, ऐसे करके मोड़ना है। ये जो ज्वाइंट आप देख रहे हैं बीचों बीच होना चाहिए। तो देखिए, इधर है, इधर उंगली का सेप है और इधर अंगूठा का सेप दे दिए हैं। ऐसे ही दोनों मोजे बनाने में ध्यान रखना है कि एक इधर सेप देना है अंगूठे का और एक इधर अंगूठे का, दोनों अलग अलग देना है। तो देखिए, हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये ऐसे राउंडिंग करके हम सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए, हम इसको सीधा कर लेंगे।
और इसमें देखिए फ्रेंड आप फोम डालना ज़रूरी है, क्योंकि फोम डालने से थोड़ा सा अच्छा बन जाता है और अच्छा लुक आता है। ऐसे ही हम दोनों बना लेंगे। तो देखिए हम ये दोनों बना के रेडी कर लिए हैं, दोनों पैरों में बहुत अच्छा से आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों बन के रेडी हो गया है। ये 7 नंबर जिसका पैर में आता होगा, 7 नंबर का जूता उसमें आ जाएगा अच्छा से, और बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। और इसका देखिए मेजरमेंट जब भी आपको लेना होगा तो ऐसे पैर के नाप से मेजरमेंट लेना है। आपको थोड़ा सा मेजरमेंट भी बता दे रहे हैं, जैसे कि देखिए ऐसे करके लेना है। तो देखिए यहाँ से ये आपका पैर 9 इंच आता होगा, तो 1 इंच लूज रख के 10 इंच ऐसे लेके हम बनाए हैं।